ये है मेरा नया आविष्कार दूर दृष्टि गैजेट। अब अगर तुम किसी को फोन लगाओगे या कोई तुम्हें फोन लगाएगा तो तुम ना सिर्फ उस इंसान से बात कर पाओगे पर इस चश्मे के जरिए तुम उसे और उसके आसपास की चीजों को देख भी पाओगे और उस इंसान को पता तक नहीं चलेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही कमाल का गैजेट है। चाचू, सबसे पहला फोन भल्ला अंकल को ही लगाते हैं। पैसा, मेरा पैसा। पल्ला जी, आप कहाँ हो? अगर मैंने चाचे से कह दिया कि मैं बैंक में हूँ तो सैलरी मांगना शुरू कर देगा। कुछ बहाना बनाता हूँ। चाचे, मुझे बुखार है इसीलिए घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। पल्ला जी, तू साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। वोटों की गड्डी लिए बैंक में खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं घर पे बीमार हूँ। वो आपको सैलरी नहीं देने का नया बहाना बना रहे चाचू। उन्हें यूं ही बातों में उलझाए रखिए, हम बैंक चलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। पल्ला जी, मैं आपको ना बुखार भगाने का एक नया तरीका बताता हूँ। आप ना अपने जूते उतार के अपने सिर पे रख लो, तुरंत आराम मिलेगा। जरा बाएं मुड़िए वरना दीवार से टकरा जाएंगे। शुक्रिया चाचा। चाचे को कैसे पता चला कि मैं दीवार से टकराने वाला हूँ? ओहो पल्ला जी, रुक जाइए, एक भी कदम आगे मत रखना। ओए चाचे, तू मुझे धमकी दे रहा है? तू मुझे ऐसे रोक नहीं सकता। मैं कदम आगे रखूंगा, ये ले। ओहो पल्ला जी, मैंने आपसे कहा था कि एक भी कदम आगे मत रखना, अभी मैन होल में गिर जाते। पर तुम दोनों यहाँ कैसे? वो बस आपका हालचाल पूछने आए थे भल्ला अंकल, आपको बुखार था ना? ओए चाचे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें सैलरी देकर सरप्राइज करने वाला था। अब बहादुर को किसी ने किडनैप कर लिया सर। किडनैपर्स ने मुझे फोन करके कहा कि बहादुर का पता ठीक 10 बजे बताएंगे। ढोलकी, अब हम बंदूकनी को बहादुर का गलत पता बताएंगे। वाह जीजे, क्या आइडिया है! मैं एड्रेस की पर्ची अंदर फेंकता हूँ। ओ इस पर लिखा सै मॉल रोड, हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए, चलो। रुकिए बंदूकनी जी, क्या किडनैपर ने आपसे पैसे या कोई और चीज मांगी है? नहीं तो? तो फिर ये कैसा किडनैप हुआ? जरूर कुछ गड़बड़ है। बंदूकनी जी, वो नंबर बताइए जिससे सुबह आपको किडनैपर ने कॉल किया था। चाचू, आप दूर दृष्टि गैजेट से तुरंत इस नंबर पर फोन लगाइए। ओ यो दूर दृष्टि गैजेट क्या है? बहादुर अंकल का सही एड्रेस पता लगाने का जरिया। ओए भतीजे, मैं बहादुर को देख सकता हूँ। वो बंधा हुआ है, उसके मुंह पर पट्टी भी है, एक छोटे से कमरे में बंद है। चाचू ध्यान से देखिए और क्या क्या दिखाई दे रहा है। ओए कमरे में एक छोटी सी खिड़की है, खिड़की के बाहर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है फंटूश नगर 20 किलोमीटर, और पास में कुछ लिली के फूल हैं। लिली के फूल तो शहर के दाईं तरफ खिलते हैं, यानी हमें फंटूश नगर से दाईं ओर 20 किलोमीटर दूर जाकर देखना चाहिए। मैडम जी, आप यहाँ क्यों आई? ले, ओ भलाई का तो जमाना ही नहीं सै। एक तो मैं तन्ने छुड़ाने के लिए आई और तू मन्ने पूछ रहा सै कि मैं क्यों आई है? नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है, ये सब डंका ढोलकी की चाल है।
वो चाहते थे कि आप मुझे ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और फिर वो पुलिस स्टेशन में घुसकर बड़े बॉस के लिए कोई पीली फाइल चुरा सके। ओ बावड़ी बूझ भैंस की पूछ बक्के होगा। ओ हम फंटूष नगर से इतनी दूर हैं कि जब तक वापस पहुंचेंगे तब तक डंका ढोलकी ने फाइल चुरा भी ली होगी। नहीं बंदूकनी जी, हम भले ही डंका ढोलकी तक पहुंच नहीं सकते पर उन्हें कंट्रोल तो कर सकते हैं। वे पर कैसे? चाचू वो दूर दृष्टि गैजेट मुझे दीजिए और देखिए कमाल। ले दीजिए। कौन है जो घोड़े पर सवार है? इस फोन की आवाज से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हेलो, हमें डिस्टर्ब मत करो। रुक जाओ डंका, मैं हूँ बड़ा बॉस। बड़े बॉस? सर खुजाना बंद करो। क्या आप हमें देख सकते हो? हाँ बड़ा बॉस सब देख सकता है। अब जल्दी से वो पीली वाली फाइल ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बॉस पर कहीं मिल नहीं रही। भतीजे हाल ही में हेडक्वार्टर ने नई लाठी का पार्सल भेजा, ऊपर की तरफ रखा है। अभी डंका ढोलकी पर लाठी चार्ज करवाता हूँ। डंका तुम ढोलकी के कंधों पर चढ़ जाओ। जल्दी करो, मुझसे आपका वजन उठाया नहीं जा रहा। यहाँ इतना अंधेरा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फाइल वहाँ है क्या? ओए भतीजे मेरे टेबल के ड्रॉर में अक्सर चूहे घुमा करते हैं। अब ये चूहे डंका ढोलकी को घुमाएंगे। डंका बंदूकी की टेबल की ड्रॉर में चेक करो। वाह जिंजे, आप तो ब्रेक डांस में एक्सपर्ट हो। ब्रेक डांस के बच्चे, मैं तेरा सर ब्रेक कर दूंगा। अब तू करता रह ब्रेक डांस। ओए ढोलकी, पीली फाइल मिल गई, चलो भाग चलते हैं। बहादुर अंकल जीप भगाइए, उन्हें पीली वाली फाइल मिल गई है। वो रहे डंका ढोलकी। बंदूकनी जी जल्दी से अपना फोन मुझे दीजिए। डंका ढोलकी भाग गए, हमारे हाथ से निकल गए। नहीं, बंदूकनी जी का फोन ढोलकी के बैग में अटका है और मैंने इस दूर दृष्टि गैजेट से उस फोन पर कॉल किया है तो अब मैं देख सकता हूँ कि वो कहाँ छुपे हैं। एक मैन होल में। भतीजे क्या डराया डंका ढोलकी को, और फाइल भी वापस मिल गई। फाइल वापस हमारे पास आ गई चाचे। मेरा सर फट रहा है, बंद करिए बैंड बजाना। और कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। पूरे काम का पूरा नतीजा, क्यों भाई चर्चा। ओए हो भतीजा। भतीजा, भतीजा।
फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा